हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू ट्राइम्फ मंत्र। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई, आज का सेशन भी सिंप्लीफिकेशन के होने वाला है गाइस। मैं सिंप्लीफिकेशन ही आप लोगों को करा रहा हूँ, और थोड़ा सा करते हैं ढंग से सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में मैं ऑलरेडी आपको एक सेशन करवा चुका हूँ, काफी कुछ जानकारियां आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। उससे पहले मैं कुछ चीजें फिर से आप लोगों को ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। क्या क्या अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, वी बॉड मास का थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है गाइस। वी बॉड मास के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, परसेंटेज का आइडिया होना बहुत जरूरी है। परसेंटेज की प्लेलिस्ट मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज पढ़ो ढंग से, काफी कुछ सहूलियत मिलेगी आप लोगों को। दूसरी चीज, आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मल्टीप्लाई और एडिशन, इन दो चीजों की आपको प्रैक्टिस और करनी चाहिए। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दो चीजें और आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये बहुत काम आती है जब हम कैलकुलेशन लंबी लंबी कैलकुलेशन करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन बहुत काम में आता है, तो ये जरूरी चीजें हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड या एडिशन से रिलेटेड कुछ सेशन में बना सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो बढ़ते हैं आगे भाई, पहले सेशन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, 75% ऑफ 320 -24% ऑफ 150 +80% ऑफ 280 का आएगा। देखो, बहुत सारी लर्निंग आपको मिल सकती है, आप लर्निंग लेने की कोशिश करना। आप ये मत देखना कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल है या बहुत हार्ड है, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इतना जल्दी इनको जज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टास्क होती है ना। देखो ध्यान से एक बात समझना, 75% इज वॉट, 75% अगर मुझे निकालना है, 75% होता है 3/4। 75% किसी भी नंबर का क्या होता है, 3/4 होता है। 3/4 इजीली निकाल सकते हो यहां से, 3/4 अगर इसका करोगे तो आ जाएगा 240। देखो 3/4 अगर करोगे तो 80 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आएगा 240। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 240 माइनस, अब ध्यान से समझो इसको, 24% ऑफ 150। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 150% ऑफ 24? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 100% +50% यानी कि 24 +12 यानी कि 36। मैं कुछ सोचता भी नहीं इसको डायरेक्ट लिख देता है, यहाँ पे 36 आएगा, डेढ़ गुना होना है इसका बस। ठीक है, प्लस 80% ऑफ 280 का मतलब क्या है, 8 का गुणा 28 में करना है, तो 8 दूनी 16 160 और 8 अट्ठे 64 224 आ जाएगा। समझ गए भाई, 34 निकाल दो यहाँ से, कितने बचेंगे यहाँ पे 4, 204 कितना आ जाएगा आंसर, 428। समझ गए नहीं समझे, समझ गए बताओ जरा सोच के भाई, सब लोग आ रही है बात समझ में, आनी चाहिए यार, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है। फिर भी मैं आपको कुछ एक चीज ये बता सकता हूँ कि ये जो है इसको थोड़ा समझा करो, परसेंटेज की जो वैल्यूज है ना उनको थोड़ा समझा करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या दे रहा है, 148877 -5184 +18% ऑफ 150 +133 इक्वल टू समथिंग समथिंग एंड समथिंग, आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। पहली बात तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका समझ लो थोड़ा सा। क्यूब रूट निकालना है मुझे, और क्यूब रूट मुझे दे रखा है 148877 का, मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मैं तीन तीन के ग्रुप बनाऊंगा, ये तीन का ग्रुप बनाऊंगा और ये तीन का ग्रुप बनाऊंगा। देखो याद रखना, अगर किसी भी क्यूब की लास्ट की डिजिट 7 है तो लास्ट डिजिट 3 होगी। 3 का जो क्यूब होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है गाइस। अगर 3 है यूनिट प्लेस पे तब क्यूब करोगे तभी 7 पॉसिबल है। तो यहां पर जो यूनिट प्लेस पे मुझे मिलेगा वो मुझे कितना मिल जाएगा, 3। अब ये चेक करो कि 148 जो है ना, इसके आसपास का क्यूब कौन सा है, तो इसके आसपास का क्यूब कौन सा मिल रहा है तुम लोगों को, सोचो जरा, मिल रहा है क्या, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, इसके आसपास क्यूब कौन सा मिला, 5 का। तो ये किसका क्यूब है, 53 का। तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, 53 माइनस 5184 के साथ भी वही कहानी है, 5184, 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900, तो 70 से बड़ा है। दूसरी चीज, अगर 5184 को मैं लास्ट डिजिट चेक करूं 4, तो लास्ट डिजिट 4 आने का मतलब या तो 2 का है बाद में नंबर या 8 का नंबर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो मुझे सीधा दिखेगा या तो 72 का स्क्वायर है या 78 का स्क्वायर है, तो सीधा मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, 72। अब मैंने सोचो 78 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि 75 का स्क्वायर कितना आएगा, 5625, तो वो इससे बड़ा हो रहा है ना नंबर से, तो 72 का स्क्वायर बन सकता है। प्लस 18% ऑफ 150 का मतलब डेढ़ गुना कर दो, 27 आ जाएगा। प्लस 133
इज इक्वल टू समथिंग प्लस 28 खत्म कर दो, यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, 1 को यहाँ से खत्म कर दो, यहाँ 52 आ जाएगा, 52 को यहाँ से खत्म करो, यहाँ माइनस 20 आ जाएगा, माइनस 20 को यहाँ से खत्म करो, यहाँ पे 113 आ जाएगा। आ गया भाई आंसर, इसी तरीके से सॉल्व करना है गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन से कुछ लर्निंग मिलती है आप लोगों को, उसके लिए सेशन बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि आपको मैं कुछ बहुत कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ, आपको ये प्रोसेस सिखाने वाला हूँ कि एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है भाई इसको। आ रही है समझ में बात? नहीं आ रही है? एग्जाम में अटेम्प्ट करने का तरीका यही होता है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो गाइस, ठीक है। आपको समय बचाना होता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है समय बचाना, तो ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें सीखनी जरूरी होती है हम लोगों को, है ना, उसी के लिए सेशन मैंने बनाया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। 57% ऑफ 501 माइनस 131.17 क्वेश्चन मार्क माइनस 25% ऑफ 504। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसको 500 रिज्यूम नहीं कर सकते हो आप लोग? इसको 500 ले सकते हो, इसको 131 ले सकते हो, और इसको 600 ले सकते हो। ये लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 57% ऑफ 500 निकाल दो या 500% ऑफ 57 निकाल दो, बस 5 गुना करना है 57 का। तो 250 और 35 कितने होते हैं? 285। डायरेक्ट लिखो माइनस 131 इज इक्वल टू समथिंग माइनस 25% ऑफ 600 कितना होगा? 1/4 यानी कि 150 हो जाएगा ना भाई, 150 होते यहाँ पे कैंसिल करोगे, यहाँ माइनस 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आने वाला है? 304। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 304। समझ गए बात को? नहीं समझे भाई सब लोग? ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपको, एग्जाम के क्वेश्चन ही हैं, है ना, ऐसे मत सोचना बड़े सिंपल से क्वेश्चन उठा के ले आया हूँ, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन है ये, मतलब लेवल ऐसा ही रहता है, आपको पकड़ना होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल नहीं आता। एक आध क्वेश्चन अगर मुश्किल आता है तो उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, उसके साथ अपना ईगो भी खेल सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हैं बढ़ जाएं। देखो भाई अब इतना लंबा क्वेश्चन है यार, 840.81 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2.56 प्लस 119.9% ऑफ 449.7 माइनस 779. इतना लंबा लिखा हुआ है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं या डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो? पहले सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, आप लोगों को थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। ब्रैकेट में 841 आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाई इसको 2.5 कर लेता हूं मैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 120% ऑफ 450 लिख सकता हूं इसको मैं, माइनस ये क्या रहा है ये देखो 17 नहीं है, यहाँ पे 80% के आसपास है ये वैल्यू, ये है 80% 80% ऑफ 780 प्लस 60% ऑफ 180, इस तरीके से ये वैल्यू बनी हुई है, ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो 841 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है भाई? 29 का होता है, ये पता होना चाहिए यार सब लोगों को, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, है ना। तो 29 इंटू 2.5 प्लस 120% 450 का कितना आएगा? 1/5 कितना होता है? 9540 आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 100% कितना आएगा? 5 ये 450 आ जाएगा, और 20% कितना होगा इसका? 90, तो 450 प्लस 90 कितना हो जाएंगे? 540 माइनस 80% कितना होता है भाई? मल्टीप्लाई कर दो बस डायरेक्टली, 8 सत्ते होते 56 560 और 8 अट्ठे 64 होते 560 और 64 624 हो जाएंगे, समझ गए बात को सब लोग? प्लस 60% ऑफ 180 तो 6 गुणा 18 कितना हो जाएगा? 108। ये मुझे बताना है कितना आ रहा है, ठीक है, इतना मुझे पता होना चाहिए। तो ये अगर कैंसिल करोगे यहाँ माइनस 84 आ जाएगा, माइनस 84 और इसमें कितने का डिफरेंस है? प्लस 24 का डिफरेंस है, 29 इंटू 2 होता है 58 और 29 का आधा होता है 14.5, तो 58 प्लस 14.5 कितना हो जाएगा? 72.5 प्लस ये कितना आ जाएगा? 96.5। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है भाई, समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, खासकर जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा गाइस, समझ रहे हो मेरी बात? बढ़ते चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, 24.67% ऑफ 779.56 प्लस रूट ऑफ 3248.55 मल्टीप्लाई बाई 11.98 प्लस 864.76 है। देखो ध्यान से एक बात समझना, पहले तो ये मैं 25% लिख दूं डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट लिख देता हूं पहले आपके लिए सहूलियत के लिए, 25% ऑफ 780 हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 3249 लिख लेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, और ये क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये प्लस कर लेते हैं यहाँ पे,
864 या 865 कुछ भी लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, 865 लिख दो उसको, ठीक है 865 इसको लिख देते। अब 25% कितना होता है गाइस बता दो जरा सोच समझ के, 1/4 होता है, 1/4 इसका करोगे तो आपको 95 195 आ जाएगा, ठीक है प्लस 25% निकाला है मैंने, 10% 78, 20% कितना आ जाएगा 78 × 2 156, और 79 का आता कितना होता है 39, 156 प्लस 39 कितना हो जाएगा 95 प्लस, ये देखो जरा 3249 का रूट किसका आएगा, ये बहुत सारी चीजें आपको यूज करनी है गाइस, बहुत सारा दिमाग यूज करना पड़ेगा। देखो एक बात समझना, 30 से ऊपर का स्क्वायर है, 3600 से नीचे का स्क्वायर है, यानी कि 50 और 60 के बीच में ये स्क्वायर लाई करेगा, 50 और 60 के बीच में ये स्क्वायर लाई करेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए है ना। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 9 कब मिलता है, या तो यूनिट प्लेस पे 3 हो या 7 हो, तो या तो ये 53 का स्क्वायर है या ये 57 का स्क्वायर है, अब 53 का स्क्वायर तो ये है नहीं, 53 का स्क्वायर ही बनेगा नहीं, क्योंकि 53 का स्क्वायर कितना होता है 2809, तो कितने का स्क्वायर है ये 57 का स्क्वायर, मैंने कहा ना स्क्वायर निकालने जल्दी से जल्दी आने चाहिए, तो ये 57 का स्क्वायर है, तो ये 57 × 12 हो जाएगा प्लस 865 हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे ठीक है, 865 में अगर 200 ऐड करो तो कितने आ जाएंगे 1065, और उसमें से 5 माइनस करो तो 1060, तो ये हो जाएंगे प्लस, ये कितने हो जाएंगे 12×5=60 होते हैं, और 12×6=72 होते हैं, 12×7=84 होते हैं, तो 684 ये आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड कर लेते हैं यार, तो कितना आ जाएगा 8 और 6 = 14 हो जाएंगे, 1744 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में तो देखो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको बस इन्हीं चीजों में टाइम लग सकता है पहचानने में, जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए सारी चीजें, ठीक है इसमें ही टाइम लग सकता है आप लोगों को इनको सर्च करने में कि किसका स्क्वायर हो सकता है, किसका क्यूब हो सकता है, ये समझ रहे हो बात को सब लोग, यहां तक सब एग्री कर रहे हो मेरी बात से, पढ़ जाए आगे फिर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब ये देखो क्वेश्चन है 9 घुसा दिया इसमें। दूसरी चीज एक बार पॉज करो, ट्राई करके देखो खुद से होता है कि नहीं होता है ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं एक बार पॉज करो, ट्राई करो खुद से कितना लिख सकते हैं इसको, 7/9 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है 4067 है ना, तो 4068 लिख दिया जाए इसको प्लस 77% ऑफ कितना लिख दो इसको 1200 इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर माइनस 128/16, ठीक है भाई ये तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 से 4 बार चला जाएगा ये, 9 से 5 बार और 9 से 2 बार, 7 × 28 = 35, 7 × 2 = 14, ठीक है कितना हो जाएगा 3164 हो जाएगा ना, देखो जरा 2800 और 350 कितने हो जाएंगे 3150 और 14 3164 हो जाएंगे प्लस 77% ऑफ 1200, तो 20 निकाल के मल्टीप्लाई मार दो 12 से, 12×7=84 840, और 12×7=84 अगर आप करोगे तो आपको 924 मिल जाएगा, बहुत सिंपल होते हैं, और ये 8 इधर प्लस कर देना लाके, ठीक है ये किसी का स्क्वायर बनेगा गाइस, ठीक है ऐड कर लो क्या बनना है 8 × 8 = 16 आंसर लग जाएंगे 1 × 6 = 3 हो जाएंगे 9 10, 4096 किसका स्क्वायर होता है, पता होता तो डायरेक्ट लगा देते आप आंसर, 64 का स्क्वायर होता है, और पता नहीं है तो उसका तरीका बताना पड़ेगा आप लोगों को, 4096 बाद में आने के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 4 आएगा यूनिट प्लेस पे या 6 आएगा, आ रही है बात समझ में, 6 कब आ सकता है यूनिट प्लेस पे, या तो 4 आएगा यूनिट प्लेस पे या 6 आएगा, 4 या 6 में से कुछ यूनिट प्लेस पे आता है तो 6 मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि किसके बीच में लाई कर रहे हैं, देखो 3600 और 4900 के बीच में ये लाई कर रहा है, यानी कि 60 और 70 के बीच में, कहने का मतलब ये है मेरा, तो 64 या 66 का स्क्वायर हो सकता है ये, आप ये चेक करके देखो 65 का स्क्वायर कितना होता है, 65 का स्क्वायर होता है 4225, 4225 इज ग्रेटर देन 4096, तो किसका स्क्वायर होना पॉसिबिलिटी है इसकी 64 का, यही मजबूरी है इसकी, समझ गए सब लोग, नहीं समझे भाई, मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हो सभी लोग, बढ़े आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे देखो ध्यान से, 22% ऑफ 350 प्लस 35% ऑफ 420 इज इक्वल टू 16% ऑफ 250 प्लस x, इसको करने के मैं दो तीन तरीके बता सकता हूँ, बाकी आंसर निकालते हैं पहले तो, है ना,
22% ऑफ 350 यानी कि 77 यहां पे लिख दिया जाए, प्लस 35% ऑफ 420 का मतलब क्या होता है 20 20 4 4 3 126 126 21 147 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 16% 4/25 यानी कि 40 ये हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा गाइस 40 यहां से निकलेगा 107 आ जाएगा 184 आंसर आ जाएगा हमारा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 184। कैसे सॉल्व किया एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। मैंने क्या क्या किया आपको समझना है बहुत ध्यान से, इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, परसेंटेज जहां पर आ जाए ना वहां पर भी अंडरस्टैंडिंग लगाया करो थोड़ी सी, आपको काफी चीजें समझ में आएंगी गाइस। देखो पहली चीज तो ये कि 22% ऑफ 350 इसका क्या मतलब है। देखो मैंने क्या किया सिंपली सिर्फ इसको 20% प्लस 2% में ब्रेक किया है ऑफ 350 का 20% कितना होगा 70 होगा कि नहीं होगा इतना तो निकाल सकते हो क्योंकि 10% 35 होगा। 10% ऑफ 350 कितना होगा 35 होगा ना, तो 20% कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। जब 20% 70 है तो 2% कितना होगा 7, तो कितना लिख दिया था मैंने यहाँ पे 77। आई बात समझ में। फिर मैंने इसको उठाया 35% ऑफ 520। अब देखो 35% को मैंने क्या लिखा 30% प्लस 5% ऑफ 420। अब 30% को ब्रेक करना भी आसान है, 10% ऑफ 420 कितना होगा 42। इसका तीन गुना करना है ना, इसका तीन गुना करोगे 126 मिल जाएगा प्लस 5% तो 10% का आधा 42 का आधा कितना होता है 21। ऐड कर लो दोनों को कितना मिल जाएगा 147। 16% क्या होता है 4/25 होता है, या तो ऐसे कर लो 16% क्या होता है 4/25 इंटू 250 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टाइम्स तो 40 मिल जाएगा, या फिर सीधा 16/100 करके भी कर सकते हो तो सीधी यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 184। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ये मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या है 0.6 इसकी पावर 5/4 भागित मैं कर दिया डिवीजन दे रखा है 0.36 इसकी पावर दे दी 3/8 मल्टीप्लाई 0.3 इसकी पावर ये दे दी। पहली बात तो आप ये समझ लो बॉड मास का रूल ध्यान रखना, पहले डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा है ना गाइस, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। मैं कैसे लिखने वाला हूं उसको 0.6 इसकी पावर कितना है 5/4 डिवाइड बाई, क्या ये 0.6 का स्क्वायर नहीं है क्या, इंटू 3/8 हो जाएगा 2 से 4 टाइम चला जाएगा तो 0.6 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/4 मल्टीप्लाई 0.3 और 0.3 की पावर कितनी है 13/12। ठीक है मैं लिख रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम भी नहीं लगता। ये 0.3 का स्क्वायर है इंटू 7/24 है, इसको ब्रेक करो इसको यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 0.3 और 7 की पावर 12 और यहां से मुझे क्या मिल रहा है 0.18 और इसकी पावर 1 - x। ठीक है जब इसको सॉल्व करोगे तो एक चीज और लिख लो भाई यहाँ पे a की पावर m अपॉन a की पावर अगर n है सेम बेस है तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा ना, ये सबको पता होना चाहिए। 5 - 3 क्या होता है 2 डिवाइड बाई 4 1/2 हो जाएगा तो 0.6 की पावर 1/2 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 0.3 की पावर कितना हो जाएगा 7 - 13 करोगे 6/12 कितना हो जाएगा 1/2 कितना मिलेगा 0.18 और इसकी पावर 1 - x 16 × 13 कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 0.18 और इसकी पावर आ जाएगी 1/2 और यहां पर 0.18 की पावर चल रही है 1 - x तो x की वैल्यू कितनी मिल गई यहां से 1/2। सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 - x तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहां से 1/2 यहां से सॉल्व करके मिल जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं ना इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं बार बार आ रहे हैं। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व करके दिखा दिया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर बेस्ड जिसमें पावर वाले क्वेश्चन आते हैं ना और क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। देखो ध्यान से 0.4 इसकी पावर इतना आ रहा है तो 0.16 क्या है 0.4 का स्क्वायर ही तो है 3/32 लिख दो इसको ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। 0.3 है ये 0.9 क्या 0.3 की पावर ही तो है ये 2 और ये कितना है 3/16 तो कितना आ जाएगा ये 3/8 हो जाएगा। समझ गए बात को सब लोग करते हैं। देखो मैं क्या अब लिख भी देता हूँ एक बार 0.4 इसकी पावर है ये 17/16 डिवाइड बाई 0.4 इसकी पावर हो जाएगी 3/16 मल्टीप्लाई 0.3 और इसकी पावर है ये 5/4 डिवाइड बाई 0.3 और इसकी पावर ही हो जाएगी 3/8 इज इक्वल टू 0.12 और इसकी पावर कितनी दे रखी है हमको x, यही तो है। कर दे इसको सॉल्व माइनस कर दो 14/16 हो जाएगा 0.4 की पावर हो जाएगी 17 - 13 कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 14/16 यानी कि कितनी हो जाएगी 7/8 मल्टीप्लाई
पॉइंट थ्री की पावर कितनी हो जाएगी, फाइव बाई फोर, अगर दो का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टेन बाई एट हो जाएगा ये, टेन बाई एट माइनस थ्री बाई एट कितना आ जाएगा यहाँ पे सेवन बाई एट, कितना हो जाएगा पॉइंट वन टू की पावर एक्स। देखो मैंने क्या किया था, पॉइंट थ्री की पावर फाइव बाई फोर था, अगर ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टेन बाई एट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, टेन बाई एट माइनस थ्री बाई एट कितना होता है सेवन बाई एट, पॉइंट वन टू की पावर कितना मिल जाएगा सेवन बाई एट, और पॉइंट वन टू की पावर ही हमको पूछ रहा है एक्स, तो आ गया आंसर ए ऑप्शन, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं गाइस, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, 18% ऑफ 550 प्लस 45% ऑफ 200 और x की पावर 1/3 दे रखा है, देखो आंसर तो देखते क्लिक कर सकते हो ना 729, क्यों, क्योंकि जो भी आंसर होगा वो क्यूब होगा, अब क्यूब कौन सा दिखाई दे रहा है इनमें से आपको बता दो मेरे को, 720 के अलावा कोई क्यूब है, 9 का क्यूब होता है, कोई और क्यूब दिखाई दे रहा है इसमें आपको 720 के अलावा, ओ 729 के अलावा कोई और क्यूब दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब एक ही क्यूब मिलेगा हमको। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहचाना और आंसर मार्क कर दिया ये तो निकल गया, अब करने का तरीका क्या हो सकता है, देखो 18% ऑफ 550 माइनस 45% ऑफ 200 इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना हो जाएगा ये 1/3 है ना, देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, 45% ऑफ 200 बोल दो या 200% ऑफ 45 बोल दो, दोगुना करना है इसका, 45 का कितना आ जाएगा 90, 18% या ऐसे बोल सकता हूं ना 550% ऑफ 18, या ऐसे बोल दो इसको 50% प्लस 500% ऑफ 18, आधा इसका 9 होगा, 50% 500% कितना होगा 90, कितना आ जाएगा 99, और ये वैल्यू कितनी आ रही है x की पावर 1/3, तो 9 है इसका और 9 इज इक्वल टू क्या x की पावर 1/3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 की पावर 3, कितना आ जाएगा भाई 729, यू कैन इजीली सॉल्व सच क्वेश्चंस, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी सब लोगों के में। ठीक है ठीक है भाई, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, मैंने काफी चीजें समझाने की आपको कोशिश की है, आपको काफी चीजें समझ में भी आई होंगी, फिर से मेरी वही बात आप लोगों से कि भाई ट्रायंफ मंत्रा को लाइक करना है आप लोगों को, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई हमारा चैनल ट्रायंफ मंत्रा। ठीक है फेसबुक पे भी मिल जाएंगे हम, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे, दूसरी चीज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, या कोई ऐसी चीज फंसेगी तो हम भी डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा भाई, दिक्कत आ रही है ज्यादा। ठीक है गाइस पढ़ो, अब तो एग्जाम की डेट भी आ गई है सब लोगों की है ना, पढ़ाई जारी रखो अपनी। ठीक है गाइस थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।